दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायत रहती थी कि इसमें राउंड ऑफ उनको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे ऐड करना है, कैसे क्या करना है। तो मैंने यहां पे जितने मेरे इसमें वाउचर्स हैं उसमें सब में मैंने यहां पे लास्ट में राउंड ऑफ का कॉलम दे दिया है। तो आप यहाँ पर वाउचर नेम आपका जो भी नाम से है, राउंड ऑफ के नाम से है, राइट ऑफ के नाम से है, यहाँ पर अपना आप लेज़र नेम लिख दीजिए, राउंड ऑफ राइट ऑफ। बाकी आप इधर राउंड ऑफ का फार्मूला आप लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही मैंने बाकी शीट्स में भी दे दिया है। तो राउंड ऑफ, चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। ये स्टॉक और स्टॉक वाउचर विथ स्टॉक वाली शीट है, तो इसमें बाकी भी आप सारा डिटेल्स आप डाल सकते हैं, कंसाइनी डिटेल वगैरह, बिल वाइज डिटेल, इसमें सारी चीज़ें आप एंट्री ले सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी सीट्स हैं आपके हिसाब से। अब जैसे यहाँ से लेजर स्टॉक, ई स्टॉक, ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, गोडाउन, ये सारे मास्टर्स हैं, मास्टर्स के लिए हम मास्टर क्रिएट करना चाहें तो लेजर स्टॉक वगैरह सारे का मास्टर आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो येलो वाले वाउचर, ये जो येलो सीट्स दिख रही हैं आपको, डबल ए वाउचर से ले कर, तो इसमें आपका विदाउट स्टॉक आइटम एंट्री होगी और इसमें मल्टीपल बिल वाइज के साथ में। और फिर इधर आपका जो ब्लू वाली सीट दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये ब्लू वाली सीट आपका विथ स्टॉक आइटम के लिए है। अब विथ स्टॉक आइटम आपका मल्टीपल स्टॉक आइटम के साथ आप एंट्री कर सकते हैं, कितने भी आपके स्टॉक आइटम हैं। और ये जो रेड वाली सीट है आपका स्टॉक ट्रांसफ़र या स्टॉक जनरल के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल के लिए। और ये वाली जो ब्लू वाली इधर वाली जो सीट है, ये आपका एक ही वाउचर में, मतलब एक ही वाउचर में आपके बहुत सारे लेजर्स हैं, 40, 50, 60, 1000, 2000 लेजर्स हैं, ये उसके लिए है। तो अभी फ़िलहाल हम राउंड ऑफ को चेक कर लेते हैं इसमें एडवांस स्टॉक आइटम वाउचर वाली सीट से। तो ये स्टॉक आइटम के साथ में हम वाउचर की एंट्री लेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा राउंड ऑफ करके आपको लास्ट वाले कॉलम में लिख देना है। तो अभी मैं राउंड ऑफ निकालने के लिए मैं इसमें दो चीज़ें करता हूँ। एक तो यहाँ मैं अमाउंट चेंज कर सकता हूँ कि मैंने इसको सेल कर रहा है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ और हमारा जो फाइनल अमाउंट है इतने का है, 4714 का, और एक को मैं कर देता हूँ 4715 करके। बाकी इधर हमारा सेल्स अकाउंट 12%, उसमें जो GST लगा हुआ आ जाएगा। और उसके अलावा भी आपका अगर कुछ चीज़ें बचती हैं, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज वगैरह, तो आप इधर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेजर नेम लिखना है और अमाउंट इधर लिख देना है। तो 4714 हो गया, 4715 हो गया। अब इधर हम राउंड ऑफ निकाल लेते हैं। तो मैं राउंड ऑफ के लिए एक फार्मूला लगा देता हूँ, इक्वल का चिन्ह। आप डायरेक्ट भी प्लस माइनस में आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहीं पे आप फार्मूला लगा के राउंड ऑफ निकाल सकते हैं। तो RONDमैंने राउंड लिखा। अब मुझे डेबिट वाला अमाउंट से क्रेडिट वाले को माइनस कर देना है। तो हमारा डेबिट वाला अमाउंट ये है, तो इससे हम बाकी सारे क्रेडिट्स को, जो जो हमारे क्रेडिट हैं, उसको माइनस कर देंगे। और ये माइनस करने के बाद में हमें डेसिमल के दो अंक तक राउंड ऑफ लेना है, तो कॉमा लगा के हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। ये हमारा राउंड ऑफ निकल गया। एक में माइनस पॉइंट ज़ीरो एट आ रहा है और दूसरे में 0.92 आ रहा है। बाकी भी आप डिटेल इधर फिल कर सकते हैं, आप बिल वाइज डिटेल फिल कर सकते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए भी है, कंसाइनी डिटेल, बायर डिटेल, डिस्पैच डिटेल, उसके साथ में आपका टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल भी आप फिल कर सकते हैं। तो आपको जो ज़रूरत हो, जितना ज़रूरत हो आप उतना फिल करिए, अदरवाइज बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो अब हम इसमें स्टॉक ऐड कर देते हैं। ये हमारा एच कॉलम में थर्ड नंबर वाउचर के लिए और एच कॉलम में फोर्थ नंबर वाउचर के लिए हम स्टॉक ऐड करेंगे। तो यहीं आपको बगल में ही स्टॉक वाली सीट दिख जाएगी। तो एच कॉलम के लिए हमें H3 में मैंने यहाँ पर 2 स्टॉक आइटम ऐड कर दिए हैं, H4 के लिए भी मैंने 2 स्टॉक आइटम ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा भी आप बैच वाइज यहाँ पे डिटेल भी एंटर कर सकते हैं, आप मल्टी बैच वाइज डाल सकते हैं डिटेल, या EMI नंबर वगैरह जो मोबाइल का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बढ़िया है। तो ये हमारा स्टॉक ऐड हो गया है। अब हम इसमें कंप्लीट हो गई एंट्री, अब XML जनरेट कर लेते हैं। तो वापस आते हैं वाउचर वाली सीट में और यहाँ पर हम जनरेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं जनरेट पर क्लिक करूँगा तो जहाँ मेरा सॉफ्टवेयर रहेगा यहीं पर डेस्कटॉप में है जैसे अभी, तो यहीं पे पास में ही मेरा जनरेट होके आ जाएगा। तो मैं इस पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी एंट्री जनरेट हो गई डेस्कटॉप में sales.xml करके। और ये हमारा 2 अगस्त 2019 की एंट्री है, मैं आपको
इसमें आप टैली में अब एंटर करेंगे, ये हमारा आ गया फाइल। तो इसका हम पथ कॉपी कर लेंगे टैली में ले जाने के लिए। तो इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ सिक्योरिटी में जाने के बाद में इसका पथ कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, टैली में जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 अगस्त में हमारी अभी कोई एंट्री नहीं है। तो अब चलते हैं एंट्री करने के लिए, इंपोर्ट डाटा में चलेंगे, वाउचर्स में चलेंगे। अभी हम वाउचर की एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे अल्ट कंट्रोल वी करके और इंटर कर देंगे। इंटर हमने प्रेस किया, हमारी एंट्री हो चुकी है। चल के चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा राउंड ऑफ के साथ में एंट्री आ गई और साथ में आपका जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप चाहें, आइटम डिस्क्रिप्शन और बाकी डिटेल उसका, तो वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं यहाँ पे। आप जो जो डिटेल वहाँ पे डालेंगे स्टॉक आइटम के साथ में, वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो दोस्तों मैं इसका डाउनलोड लिंक आपको दे दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप अगर वाउचर वाइज जैसे जाके देखना चाहते हैं कि डेबिट क्रेडिट हमारा कौन सा क्या हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी कि हमारा डेबिट साइड में क्या है। डेबिट में हमारा जैसे ये वेकर्स किंग में इतना हमारा हो गया डेबिट, हमारा क्रेडिट में क्या है, उसमें कौन से आइटम है, सी जी एस टी एस जी एस टी कितना है, राउंड ऑफ डेबिट है क्रेडिट है क्या है कैसा है, तो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें बाकी भी आप अपने हिसाब से आप वाउचर्स चूज कर सकते हैं, आप सारे जितनी सीट्स हैं सारे सीट से आप सारे तरीके के वाउचर इंटर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।